जस्ट बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं जी। स्टार्ट करें अभी ठीक है। प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम, जय गुरुदेव सभी को। मेरा नाम शुद्ध चैतन्य है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग ओमकारेश्वर आश्रम में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। जो भी हमको सब लोग जो अभी लाइव देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, जय गुरुदेव। जैसे कि आप जानते हैं 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो ग्रहण को लेके हमारे मन में कई तरह के भय, भ्रांतियां और भ्रम रहते हैं, और इसका हम पे क्या प्रभाव है, कैसे प्रभाव पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे मन में प्रश्न चलते रहते हैं। तो उन सब का निराकरण करने के लिए आज हमारे साथ तीन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं स्वामी शरणु जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव शुद्ध चैतन्य जी। स्वामी जी, और सालों से हमारे संस्था जुड़े हुए हैं, पिछले 21 साल से वैदिक नॉलेज एक्सपर्टीज है। 21 साल से हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, पूज्य गुरुदेव का कृपा हम पे है। और एक तो, जी आपकी आवाज कट रही है जी। जी शुद्ध चैतन्य जी, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि कितने साल से जुड़े हुए हैं, तो कैसी हमारी यात्रा है। देखिए, यात्रा तो बहुत आनंदमय है, प्रेम पूर्ण है, और अपने आप को हम बहुत सौभाग्यशाली जानते हैं क्योंकि गुरु सानिध्य मिला है, सेवा का अवसर मिला है, और आप जैसे और आलोक जी जैसे, नित्य बोधा जैसे, और भी अद्भुत दिव्य चेतनाओं का संघ हम लोगों को मिला है, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। जी जी जी, आलोक जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो अभी स्वामी जी शायद कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, तो मैं तो मेरे लिए तो यही बहुत है स्वामी जी कि आप लोगों के साथ में ये सेशन में कर रहा हूँ, और आप ही आप तीनों ही इतने बड़ी पुण्यात्मा है और गुरु का इतना आशीर्वाद है, मुझ पर भी गुरु का बहुत आशीर्वाद है। और मेरी यात्रा तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कराई है, जैसे कि मतलब उंगली पकड़ के जैसे आप गुरु चलाते हैं वैसे ही, और अपने आप ही होती भी जा रही है जी, जी। और इस पैनल की खूबसूरती मेरे हिसाब से यही है कि हम सभी अनुग्रहित है कि हमारे जीवन के अंदर गुरु है। जी बिल्कुल सही बात। और चैतन्य जी हमारे साथ है। जी शुद्ध चैतन्य जी, हेलो। हाँ नित्य बोधा जी, आप अपने यात्रा के बारे में शेयर करेंगे जब तक शुद्ध चैतन्य से हम सबसे जुड़ते हैं जी। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और वैदिक धर्म संस्थान मध्य प्रदेश की तरफ से आर्ट ऑफ लिविंग और वैदिक धर्म संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर आश्रम की तरफ से मैं ब्रह्मचारिणी नित्य बोधा आपका सभी का इस फेसबुक लाइव में स्वागत करती हूँ। मेरा जो ये यात्रा है ये तो पूर्ण गुरु कृपा ही का अनुभव है, और आप जैसे दिव्य व्यक्तित्व के साथ मैं यहाँ बैठी हूँ, ये उनका आशीर्वाद मैं मानती हूँ, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो ये जो कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम स्पेशली फोकस्ड है ग्रहण के ऊपर। तो जहां तक वैदिक काल में कहते हैं कि तीन तरीके के ग्रहण होते हैं, क्या क्या होते हैं? जब पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्र और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती पूर्णता से, तो पूर्ण ग्रहण उसको कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि अर्ध ग्रहण, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हटी है और थोड़ा सा चंद्रमा दिख रहा है, तो उसको अर्ध ग्रहण कहते हैं। और दूसरा है पृथ्वी की छाया जब चंद्र पे पड़ती है, तो ये तीन प्रकार के ग्रहण हो गए। तो हम आलोक जी से कहेंगे कि ये तीनों का स्पेसिफिकेशन क्या कहता है आपका एस्ट्रोलॉजी में, क्या इसकी क्या क्या प्रभाव? तो बेसिकली स्वामी जी जैसा आप बोल ही रहे हैं कि कुछ ग्रहण ऐसे होते हैं जो कि पूर्ण ग्रहण होते हैं, कुछ आंशिक ग्रहण होते हैं। और चूंकि ये जो घटना है एस्ट्रोनॉमिकली ऊपर अंतरिक्ष में एक पर्टिकुलर प्लेसेस पर अलग अलग, जिनको हम राशियां कहते हैं, बेसिकली राशि कुछ नहीं होती, केवल एक दैट इज अ स्पेस इन द स्पेस यू कैन से, राइट?
तो इसलिए कुछ कुछ स्थानों पर ये दिखते हैं, कुछ स्थानों पर नहीं दिखते, क्योंकि हमारा पृथ्वी भी घूम रही है और उसके लैटलॉन्ग के हिसाब से दृश्य, जैसे आपने अक्सर हम सभी ने सुना ही है कि ये जो ग्रहण है वो कुछ जगहों पर दिख रहा है, कुछ जगह पर नहीं दिख रहा है जी। तो लोकेशन का फैक्टर है और उसके हिसाब से परिणाम का अंतर है। दूसरा, अर्ध ग्रहण, पूर्ण ग्रहण, इनका आप कह लें अच्छे या बुरे प्रभाव अलग अलग तरीके से होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि सूर्य इस धरती को चलाने वाला ग्रह है, या एकमात्र प्रत्यक्ष देवता अगर कोई है तो वो सूर्य देव है, जिनके दर्शन आप रोज सुबह कर सकते हैं। तो सूर्य पर ग्रहण लगता है, तो ओवरऑल अगर आप एक आम जनमानस के लिए अगर अपन बात करें तो अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य हम ज्योतिष में बोलते हैं आत्मकारक है, सोल इंडिकेटर। तो और चंद्र चूंकि रिस्पॉन्सिबल है, चंद्र इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि रात नहीं होगी तो भी बहुत तकलीफ है। तो दोनों का ग्रहण जो है किसी ना किसी रूप पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रभाव करता है वातावरण में, जिससे कि आम आदमी पर भी प्रभाव पड़ता है। ये ब्रीफ है बेसिकली मेरी तरफ। इसे गुरुदेव कहते हैं 75% जो हमारा शरीर है उसमें जल है, करेक्ट, और पृथ्वी के ऊपर भी 75% जल है। और ऐसे कह रहे थे गुरुदेव कि जैसे पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा आने के बाद जो प्रकाश पड़ता है चंद्र के द्वारा होके पृथ्वी पे, तो एक उफान आता है, इसलिए सभी के भावनाओं में, क्योंकि पानी और मन जुड़ा हुआ है, और भावनाओं पे उफान आने की वजह से पूर्णिमा के दिन ज्यादातर लोग उत्साहित का होना, जोश में होश का खोना, इसलिए वेस्ट में कहते हैं लुनेटिक, थोड़ा थोड़ा लोग पागल व्यवहार करें, क्योंकि ऊर्जा को समाहित नहीं पाते, क्योंकि उतनी ऊर्जा बढ़ जाती है। और अमावस्या आते कहते हैं कि शक्ति घटती है, यानी कि प्राण शक्ति घटती है। इसलिए भारत में जो इवन जो होली आती है, कहते हैं कि सबसे बड़ा होली पूर्णिमा होती है, तो वहां पर जब इतनी बड़ी पूर्णिमा होती है तो लोग ज्यादातर अपने आपा खोने की संभावना होती है, इसलिए होली मना लिया, अपना चेहरे को ढक लिया, रंगों से मिटा दिया, तो कोई पहचान नहीं, जान बुझ के पागल हो तो पागल होने की संभावना सारा खत्म होता है। आलोक जी, मेरा ये एक छोटा ये प्रश्न है कि जैसे ग्रहण अभी पीछे, जैसे चंद्र ग्रहण भी हुआ लेकिन उसका कोई जैसे कोई हो हल्ला नहीं था मीडिया में, उसका कोई वो नहीं था, तो ऐसा है क्या कि सूर्य ग्रहण का ही हम पे ज्यादा प्रभाव रहता है, चंद्र ग्रहण का असर नहीं रहता हमारे इस पे पृथ्वी पे, ऐसा कुछ है? मेरी नजर में ऐसा नहीं है, दोनों ही ग्रहण इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट यस, ये जो पिछला अभी चंद्र ग्रहण था वो बहुत ही आंशिक चंद्र ग्रहण था, दूसरा भारत में नहीं दिखा था, तो इसलिए आपने इंडियन मीडिया में देखा होगा तो कुछ भी इस तरीके की बात नहीं थी, बिकॉज इट वॉज नॉट विजिबल इन इंडिया। ये जो अभी अपकमिंग ग्रहण है, इसको ये पूर्ण ग्रहण है, इसीलिए आपने देखा भी होगा स्वामी जी कि इसका सूतक भी 12 घंटे का है। Okay, रात में ही ये, मतलब ये करीबन सुबह 10:17 से चालू होगा और 4 घंटे अप्रोक्सीमेटली का ग्रहण है। तो इसमें मतलब सूर्यदेव पूरी तरीके से ढक जाएंगे। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, और इसी रेशो में उनके सूतक भी डिसाइडेड रहते हैं कि सूतक 12 घंटे का होगा कि कुछ कम घंटे का होगा, इसके हिसाब से रहता है। तो इसलिए इस ग्रहण को लेकर लोगों में जिज्ञासा भी बहुत है, चिंताएं भी बहुत है, क्योंकि एक चीज है प्रिंसिपली फॉर अ पर्सन हु इज नॉट अ साधक प्रिंसिपली ये बात बहुत क्लियर है ज्योतिष के हिसाब से कि ग्रहण अच्छे नहीं होते, बिकॉज आप क्योंकि ग्रहण मतलब इक्लिप्स ही अगर कर लिया है सूर्य को तो फिर, और सूर्य जो है वो हमारे बॉडी के अंदर अग्नि को कंट्रोल करता है, मतलब हमारी एनर्जी और हमारा हेल्थ का जो पूरा सिस्टम है वो सूर्य से डिसाइडेड है, इसलिए जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हेल्थ पर दिक्कत आती है। दूसरा, पूरा प्रकृति जो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो वनस्पति फसलें ये सब सूर्य पे डिपेंडेंट है, इसलिए सूर्य ग्रहण के टाइम पे आप देखेंगे कभी अकाल पड़ गया, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, ये सब चीजें सूर्य ग्रहण के परिणामों के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो दोनों में अगर मैं तुलना करता हूं, यस, सूर्य ग्रहण थोड़ा सा ज्यादा सीवियर होता है, बट ग्रहण दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। नित्य बोधा जी, अभी जैसे एक जीकर हुआ सूतक का, है ना, वो सूतक क्या चीज है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा इसको विस्तार से बताएंगे, और इसका क्या महत्व क्या है
इसके अच्छा। ग्रहण काल में तो सामान्य भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि सूतक की पूर्व ग्रहण की पूर्व सूचना है ये सूतक काल कि अभी ग्रहण लगने वाला है। और जैसे कि सामान्य जन है जो अपने दैनंदिन कामों में व्यस्त रहते हैं है ना, हमेशा प्रवृत्ति के तत्पर रहते हैं, लेकिन ग्रहण काल एक ऐसा बताया गया है जिसे दो बातें आती है जैसे कि नित्य साधना नैमित्तिक साधना, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। तो ये ग्रहण काल जो है इसमें नैमित्तिक ये कर्म है और इसमें जो साधना की जाती है ये नैमित्तिक, मतलब ग्रहण का निमित्त से ये साधना करनी चाहिए है ना स्वामी जी। तो हाँ, तो यहाँ ये जो ग्रहण का निमित्त है तो हम जो हमेशा प्रवृत्ति या बहिर्मुख रहता है मानव का मन, तो कुछ क्षण के लिए कुछ घंटों के लिए इसको हम अंतर्मुख करें। और इसमें केवल एक व्यक्ति नहीं, पूर्ण कुटुंब, पूर्ण परिवार, पूर्ण समाज इसमें सहभागी हो। इसलिए ग्रहण का ये जो हमारे जो मनीषी थे या हमारे जो ऋषि मुनि थे, इनकी समाज रचना की और इनकी मानवीय मन जो है उसका इतना अभ्यास था और इसका संबंध पूरे परिवार, पूरे जो परिसर है या सृष्टि है इसके साथ इतना गहरा और गहन अभ्यास जितना सनातन धर्म में है उतना शायद ही किसी धर्म में होगा। तो ये पूर्ण परिणाम जो है, बेसिकली मैं थोड़ा सा एक अलग बात और एक यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे स्वामी जी ने कहा और आलोक जी ने कहा कि सूर्य चंद्र और पृथ्वी, तो अगर हम इसे सूक्ष्मता से देखें तो पृथ्वी हमारे शरीर का प्रतीक है, चंद्र हमारे मन का प्रतीक है और सूर्य हमारे आत्मा का प्रतीक है। तो ये तीनों एक साथ आते हैं, इनका हमारे ये तीनों जो आस्पेक्ट है अपने अस्तित्व के इनसे बहुत गहरा संबंध है। तो इसमें समय, फिर मतलब काल और ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर पूरी खगोलीय जो एक परिणाम रहता है हमारे मानवीय जीवन पे, ये सारी बातें जुड़ी होती है। तो ये सारी बातों के लिए तो स्वामी जी और आलोक जी हमें ज्योतिष के तरफ से हमें मार्गदर्शन देंगे। तो इसके लिए कि भाई आप सावध हो जाइए, मतलब आप अलर्ट हो जाइए, सजग हो जाइए कि ग्रहण अभी शुरू होने वाला है। और ये क्या होता है सूतक काल, मतलब ग्रहण काल में ये जो ग्रह है ये तीनों एक दिशा में या एक रेशा में आते हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं। तो इसमें कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें या कुछ विषैले पदार्थ या कुछ सूक्ष्म शक्तियां रहती है या सूक्ष्म हम फैक्टर कह सकते हैं जो निगेटिव होते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूर्ण निगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं ग्रहण के, लेकिन इनसे हमारा संरक्षण हो इसलिए डरना नहीं है, लेकिन सजग हो जाए इसलिए सूतक काल जो है कि 12 घंटे से पहले वो सूतक काल। तो ये जो शुरू होता है ना, कोई भी बात शुरू होने से पहले उसकी कुछ कार्यशैली होती है, तो वो जैसे आप कोई भी काम करते हो तो उसका एक शुरुआत होती है, फिर वो परिणाम सामने आता है। तो ग्रहण ये परिणाम है, लेकिन उसके पीछे के भूमिका के ये जो सब है वो आने का जो स्थिति है, तब तक का जो काल है वो सूतक काल कहते हैं। और इस सूतक काल में हमें नियम पालन की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इसमें मुख्यतः नियम अन्न और पानी पे आते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि पानी से हमारा शरीर 72% हमारा शरीर 72% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है और सूर्य आत्मा के कारण और पानी मन से जुड़ा हुआ है। तो इनका हम पे पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हमें लेना है इस ग्रहण का, तो इसलिए अन्न और पानी का त्याग इस सूतक काल में कहा गया है। अभी ये कैसे, तो रोज तो हम खाना खा ही रहे हैं, रोज तो हम पानी पी ही रहे हैं, तो इस सूतक काल के लिए, इस ग्रहण काल के लिए हम कुछ देर इसका त्याग करें। ये एक तरह का तप है और इसमें शम और दम थोड़ा सा हमें इसका अभी आधार लेना पड़ेगा, हमें अपने आप को थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो सूतक काल से नियम शुरू हो जाते हैं, नियम का पालन। इसमें मुख्य नियम पालन ये होता है कि घर में जो भी द्रव पदार्थ है जैसे दूध है, पानी है, तेल है, घी है, इस सभी पे तुलसी का पत्र या दर्भ का एक क्या कहते हैं उसको, दर्भ का एक तंतु, दंठल ऐसे रखे जाते हैं। पानी में दुर्वा रखने का भी इसमें प्रघात है। इससे क्या होता है, जो विषैले तत्व है या जो भी टॉक्सिन्स वातावरण में रिलीज होते हैं इनसे इसका संरक्षण होता है। और अगर आप देखे जाए तो इन सारी चीजों से ही हमारा खाना बनता है ना, और इसमें अन्न या दालें ऐसा मिला के, धान्य मिला के अन्न बनता है अल्टीमेटली। और एक बात क्या होती है कि ग्रहण काल में जो मेटाबॉलिज्म है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस पर बहुत गहरा परिणाम होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़े से विषैले तत्व
सृष्टि के एक इसमें प्रवेश हो चुका होता है, तो ये सारी चीजों में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। ये प्रवेश रोकने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि तुलसी पत्र और दर्भ का एक और दूर्वा का उपयोग करना है। इसलिए सारी बातों पे आपने देखा होगा, अपने दादी नानी या माँ जो है वो तुलसी का पत्र रख देती है या गंगा जल मिला देती है पानी में, पीने का पानी ऐसा कुछ है। तो ये सब प्रघात है, ये हमारे संरक्षण के लिए है और हमारे कल्याण के लिए है। और इसमें और एक बातें आती है कि शास्त्र के कुछ नियम है, इसमें स्थिर नियम है और कुछ चल नियम है। जैसे कि पहले सिर्फ पैदल ही प्रवास होता था, लेकिन अभी गाड़ियां और एरोप्लेन भी आ गए हैं, तो समय के अनुसार इसमें बदल हो रहे हैं। तो ये भी हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान में लेना है। और सूतक के नियम, सूतक काल से नियम जो फॉलो करने हैं, उसमें रुग्ण, वृद्ध मतलब जो ज्येष्ठ है, बालक और गर्भवती महिला, इनको थोड़ा सा अलग रखा गया है। इनके लिए ये नियम उतने लागू नहीं है, क्योंकि इनकी शारीरिक अवस्था जो है ये थोड़ी अलग रहती है, तो इनके लिए ये नियम थोड़े से इसमें ढिलाई दी गई है, छूट दी गई है, सॉरी ढिलाई नहीं, छूट दी गई है। तो सूतक काल से ही अगर हम नियम का ये पालन शुरू करते हैं, तो इसका महत्व इसलिए है कि सूतक काल से अगर हम ये नियम पालन शुरू करते हैं तो हम फोकस हो जाते हैं, हमारा चैतन्य, हमारा अस्तित्व, पूरा जो एक अपना परिसर है, और ग्रहण काल के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जैसे कि सूतक काल में किसी ने खाना खा लिया, अगर ग्रहण काल में वो साधना कर रहे तो क्या उनका ध्यान लगेगा? ग्रहण काल में मलमूत्र त्याग ये माना गया है, निषिद्ध माना गया है। खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो उसके लिए साधन वहां से उठना पड़ेगा, तो फिर ध्यान नहीं लगेगा। और जो फायदा हमें मिलना है ग्रहण काल में, कि तीनों ग्रह एक दिशा में और तीनों से हमें इतनी ऊर्जा मिलने वाली है, जो ग्रहण का सकारात्मक उपाय है जिससे हम ग्रहण का पूर्ण फायदा लाभ उठा सकते हैं, उससे हम कहीं वंचित रह जाएंगे। इसलिए सूतक काल का भी नियम पालन के लिए बहुत महत्व है। सूर्य जो है, सूर्य ग्रह, वो दिन में प्रकाशमान रहते हैं, तो उनकी जो किरणें हैं उसमें से ही अल्ट्रावायलेट तत्व जो या किरणें हैं वो ग्रहण काल में ज्यादा प्रसारित होती है, उससे बचाव हो इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना है, जितना हो सके घर से बाहर नहीं निकलना है। और आंखों का डायरेक्ट सूर्य भगवान से जो एक संबंध, क्या बोलते हैं हम, दर्शन है सूर्य का, ग्रहण काल में सूतक काल में निषिद्ध माना। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आलोक जी, एक ग्रहण काल में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए जो शुभ माना जा रहा है, कि जैसे सूतक लग गया, घर के अंदर सब चले गए, लेकिन हम फिर भी उस समय क्या कर सकते हैं? तो मेजरली जैसा नित्यबोधा जी ने कहा कि ग्रहण सभी के लिए अशुभ नहीं होता, जबकि एक साधक तो ग्रहण का इंतजार करता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ग्रहण के समय पर किया गया जब 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। जनरली तो हमारा, चूंकि सूर्य और चंद्र का इतना डोमिनेंस है हमारी बॉडी माइंड पर, बट ग्रहण के टाइम में अगर जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण की मैं बात करूं, तो बेसिकली सूर्य और चंद्र एक साथ हैं, बीच में एक ग्रह और है इसलिए ग्रहण है। व्हाट इज द मीनिंग फॉर मी, द मीनिंग इज माइंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सोल, राइट? माइंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सोल, सोल इज सन, माइंड इज चंद्र, दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर डू चैंटिंग्स, वेरी ऑस्पिशियस। जब आप इस समय पर ध्यान करते हैं, चैंटिंग्स करते हैं, जप करते हैं, उसका प्रभाव बहुत मल्टीफोल्ड होता है, और ये मेरा खुद का अनुभव में भी आया है, मैं समझता हूं आप सभी के भी अनुभव में ये आया जरूर होगा। तो मैक्सिमम चीजें तो निषेध है ग्रहण के काल में, आपको एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, लोग आजकल मानते नहीं है, कुछ लोग दूरबीन से देखते हैं, हमारे ज्योतिष में हम इसको प्रमोट नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि ये करने योग्य चीज है, बिकॉज जब पृथ्वी जिस ग्रह की वजह से, जिस देवता की वजह से चल रही है, वो इक्लिप्स में है, तो जो रेज आ रही है वो अच्छी नहीं है। तो बच्चों को, माताओं को, मतलब गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को तो निकलना ही नहीं चाहिए, बट किसी को भी नहीं निकलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। करना क्या चाहिए? अंतर्मुखी, जैसा नित्यबोधा जी कह रहे थे, स्वामी जी कह रहे थे, ध्यान से, जप से, चैंटिंग से, यही चीज अलाउड है बेसिकली, अगर आप देखो तो यही केवल अलाउड है। जनरली लोग
आजकल क्या करते हैं, ग्रहण है तो टीवी देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। जैसा नित्यबोधा जी ने कहा भी कि हम रोज तो खा ही रहे हैं, रोज तो सो ही रहे हैं, कुछ अगर ये तप कर लेंगे तो ये तप सालों तक काम आता है हमारा। तो एक साधक के लिए ये सुनहरा अवसर होता है। एक व्यक्ति जिसका साधना से कोई लेन देन नहीं है, वो उन लोगों को फिर बाद में ग्रहण के इम्पैक्ट भी आते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया स्वामी जी। जैसे हमने सुना है कि अमावस्या या ग्रहण के दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है, थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या कनेक्शन है, क्या वो उस दिन ज्यादा फलदायी है या ज्यादा शुभ माना जाता है पितृ तर्पण? क्या है, जब भी ग्रहण लगता है पदार्थ का बल बढ़ जाता है, यानी कि पदार्थ का बल बढ़ने का मतलब है चैतन्य का उस पर थोड़ा सा एक तरीके का ढक जाना, एक पर्दा का पड़ जाना समझ लीजिए। क्यों, अगर आप ग्रहण भी देखेंगे एक पर्दे की तरह आता है, तो जब हमारे चेतना पे पर्दे के जैसा आता है तो पितृ का मतलब होता है जो इम्प्रेशन है, स्वयं का हो चाहे पूर्वजों का हो, क्योंकि बच्चों को जो माता पिता से ही तो शरीर मिला है, तो कुछ अंश जो उनके संस्कार है वो बच्चों में जारी रहते हैं और कुछ संस्कार वो अपने पूर्व से लेके आए और कुछ स्वतंत्रता। तो कहते हैं उस टाइम अगर हम तर्पण करते हैं तो तुरंत पहुंचता है, जैसे आपने देखा होगा जब आपके इंटरनेट सिग्नल्स अच्छे हो तुरंत अगर आप उस टाइम कनेक्ट करते हो तो तुरंत आपका डिवाइस जुड़ जाता है। इसी तरह उस समय पे क्या है, उसका जो सिग्नल्स कह लीजिए या उसका जो रेडिएशन है वो ज्यादा रहता है ग्रहण के समय पे, इसलिए जो वैरागी है वो ज्यादा तर्पण या उस पे ध्यान नहीं देते, वो भजन में या जप में ध्यान में चले जाते। लेकिन ये किसको कहा गया है, जो बाहरी जगत बहिर्मुखी है, जिनका जिनको कहना चाहिए ग्रहण और ग्रस्त। ग्रस्त का मतलब है जिन्होंने पदार्थ को अपने आसपास चारों ओर उसके भीतर आ गए हैं, उसके ग्राही में आ गए हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि भाई आप ये करो और ये ना करो। लेकिन साधक लोगों को इस टाइम पे साधना तब करते हैं तो लोक कल्याण के लिए बहुत मंगलकारी होता है। कैसे अभी कोरोना हो रहा है तो क्या कहता है, जिसको कोरोना है वहां मत जाइए, मास्क पहनिए, दूर रहिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, लेकिन डॉक्टर को तो नहीं कह सकते, डॉक्टर को तो जाना पड़ेगा, हीलिंग करना पड़ेगा, लेकिन उनको वो पीपी किट पहनना पड़ता है। तो हम अपनी साधना से तब मन से उसकी साधना लोक कल्याण के लिए करते हैं तो उसमें माना जाना है, आत्म कल्याण तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ लोक कल्याण होता है। इसलिए ऐसे समय में हम जब करना साधना करना सभी साधकों के लिए लोक कल्याण के लिए बहुत आवश्यक होता है, और तर्पण जो है वो जरूर करना चाहिए, हमने आपको बताया, क्योंकि पदार्थ की जो है बल है उससे ज्यादा होता है। पदार्थ का मतलब होता है इंप्रेशन, पदार्थ का मतलब होता है बाहरी जगत। जी जी सुनिए, वेरी गुड वेरी गुड। आलोक जी, जैसे मान लो ग्रहण में किसी का जन्म हो गया है ना, तो आप ज्योतिष की दृष्टि से आप उसको कैसे देखेंगे, वो अशुभ माना जाएगा या नहीं? किसी जातक का जन्म हो गया, सो ऑब्वियसली बात है कि 12 घंटे का सूतक, 4 घंटे का ग्रहण, तो 16 घंटे इसी ग्रहण के स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो 16 घंटे में ऐसा तो नहीं होगा कि लोगों का जन्म नहीं होगा। लोग तो भारत में तो हर सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, बट ऋषि पाराशर ने कुछ कुछ जन्म, कुछ कुछ अवस्थाओं के जन्म को बोला है कि उनमें कुछ तकलीफ होती है, जैसे अमावस्या का जन्म, ग्रहण का जन्म, गणांत का जन्म, ये कुछ ऐसे जन्म होते हैं जिनमें कि कुछ इंप्रेशन लास्ट बर्थ के व्यक्ति कैरी करता है, तो थोड़ा समस्या तो आती है उन लोगों को जिनका जन्म ग्रहण के दिन होता है। से सपोज सूर्य ग्रहण है, सूर्य पर ग्रहण है, तो जब तक ये कॉस्मिक एक एक्टिविटी है तो इन सब ये सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट। बट मेरे चार्ट में, मतलब मेरे जीवन के अंदर अगर उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन ग्रहण है, तो वो बेसिकली मेरा सूर्य मेरा चंद्र एफ्लिक्टेड है राहु केतु से, तो ये एक तरीके का पितृदोष भी क्रिएट करता है। पितृदोष जैसा स्वामी जी बोल रहे थे, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बात है, ये है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग रह गया आपका, जो जो निर्वाह करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी थी अपने पितरों के लिए, वो आपने नहीं किया और वो एंग्री है आपसे, तो चूंकि वो हमारा वंश चलाते हैं, हमारा घर चलाने का जिम्मेदारी पितरों की है, तो उसके कारण उस व्यक्ति का परिवार में थोड़ा कलेश रहता है। कई बार आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि शादियां नहीं होती, भाई बैठते हैं आपस में लड़ते हैं, तो ये बेसिकली जब इंडिविजुअल चार्ट पे जब मैं इसको लेके जाता हूँ, तो सूर्य ग्रहण में सूर्य जो आत्म कारक है और हमारे ज्योतिष के अंदर सूर्य धर्म कारक,
सूर्य धर्म कारक है, पिता कारक है, तो उस पर प्रभाव पड़ जाता है, तो धर्म से विमुख होने का चांसेस बढ़ जाते हैं उस व्यक्ति के। तो बाकी किसी भी, अगर आप देखोगे ऋषि पाराशर का शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे, महर्षि पाराशर का, तो ये जो तीन चार तिथि या समय के जन्म उन्होंने स्पेशली इंडिकेट किया, अलग से चैप्टर्स भी दिए, बट यस उन्होंने इसका रेमेडी भी बताई। तो इनकी रेमेडीज भी है, जो बच्चा पैदा होगा उसके समय पर अगर वो रेमेडीज की जाती हैं, ऑब्वियसली वो किसी ऐसे ब्राह्मण से हमें करानी चाहिए जो कि इसके लिए डेजिग्नेटेड हो, उसके लिए पात्र हो, तो फिर आप उन अवस्थाओं से, उन टेंडेंसी से बाहर निकल जाते हो। ओके, तो मींस बोलने मतलब वो अशुभ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है लेकिन उसका हम निवारण कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। यस यस ओके। नित्यबोधा जी, जैसे ग्रहण काल में अब आलोक जी ने बोला कि जाप करना चाहिए, मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, तो ऐसे कोई महिला जैसे जो मासिक धर्म में हो, तो उसके लिए क्या कुछ विशेष नियम है ग्रहण काल के, या वो कर सकती है क्या जाप? हाँ, जो मासिक धर्म है उनके लिए विशेष पहला नियम है कि वो बाहर ना निकले घर से, और दूसरा नियम है कि होंठ बंद रख के जाप करना है, मुंह हिला के या जोर से जो जाप है उच्चार नहीं करना है, मन ही मन जाप करना है, और कोई भी दिया या ऐसा कुछ नहीं जलाना है। और अच्छा होगा थोड़ा सा जाप करे, 108 बार काफी है, और उसके बाद वो ध्यान करे। और हाँ, और जैसे कोई गर्भवती महिला है उसके लिए कोई विशेष सावधानी रखनी पड़ती है ग्रहण काल में, सूतक या ग्रहण काल जो भी है, ये पूरा गर्भवती महिला विशेष होता है कि वो अपने साथ एक और जीव का पालन कर रही होती है अपने शरीर में, तो इसलिए उनका ज्यादा संरक्षण ग्रहण काल में उनके लिए बताया गया है, उनका रक्षण या उनके जतन करना है हमें, तो सभी ने उनका ख्याल रखना है, उन्होंने भी अपने आप का ख्याल रखना है। उन्होंने अपने आप में शांत रह के जप करना और ध्यान करना, या तो गुरुदेव के अपने जो नॉट, क्योंकि इसमें ना मन, मानसिक स्थिति और शरीर बहुत नाजुक अवस्था में होता है, तो पॉसिबल है मतलब कुछ बैठ सकते हैं कुछ बैठ नहीं पाते, क्योंकि शारीरिक अवस्था भी जरा हमें ध्यान में रखनी चाहिए गर्भावस्था में, तो वो गुरुदेव के नॉलेज से सुन सकते हैं, जैसे अष्टावक्र गीता है, श्रीमद भगवत गीता है, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव के भगिनी है सौभानुमति नरसिम्हन जी, उनके आवाज में इतने सुंदर और उत्तम स्तोत्र है, वो स्तोत्रों का वो श्रवण कर सकते हैं, तो ये सारी बातें जिससे उनका मन और शरीर प्रसन्न रहे ये ग्रहण काल में। और सबसे उनके लिए एक आसान नियम है कि वो कभी भी भय ना रखे अपने मन में, वो ये स्मरण रखे कि गुरुदेव उनके साथ, या भगवान ये जो शक्ति है रक्षण करने वाली वो उनके साथ है, क्योंकि प्रेगनेंसी या गर्भवती महिला जो है उनके लिए सबसे महत्व की बात है कि उन्होंने अपनी मनस्थिति ये ग्रहण काल में पॉजिटिव रखनी बहुत जरूरी है, ये उनके लिए बहुत मुख्य नियम है। और खाना न खाए, क्योंकि डाइजेशन के लिए जो सारे स्त्राव पेट में स्त्रवते हैं वो भी लिक्विड स्वरूप ही है, तो उसमें बहुत परिणाम रहता है, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या मेटाबॉलिज्म जो है उस पर बहुत गहरा असर रहता है ग्रहण का। विषैले तत्व सृष्टि का एक जो चक्र है या परिघ है उसमें प्रवेश कर चुके होते सूतक काल से वो शुरू हो जाता है, इसलिए उनको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है और मन शांत रखना है, प्रसन्न रखना है। और अगर उनके पेट पे वो हल्के से मुल्तानी मिट्टी का लेपन कर सके तो उससे अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ये वो ग्रहण। और बस वो सुने, श्रवण करे और जप करे, शांति से प्रसन्न रखे अपने आप को, ये साधारण नियम है। और घर के बाहर ना निकले बस, और सूर्य का डायरेक्ट दर्शन ना कर। ठीक है। आलोक जी, मैंने एक चीज नोटिस की है कि जैसे ये जो अमावस्या होती है, या जैसे सूर्य ग्रहण का तो विशेष अमावस्या मानी जाती है, तो उस वक्त ये तंत्र विद्या वाले तांत्रिक लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो इसका कुछ ऐसा है कि जैसे उस दिन वो ऐसे कुछ करते हैं तो ज्यादा सिद्धि मिल जाती है, जल्दी सिद्धि मिल जाती है? क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जैसे हिमाचल से हूँ, तो हमारे वहाँ पे बगलामुखी देवी का मंदिर है, तो वहाँ अमावस्या पे जाओ आप
तो पूरा रात भर उधर वो भीड़ रहती है तांत्रिक लोगों की, तो इस अमावस्या का इस तरह के जो तंत्र विद्या की सिद्धि का कुछ कनेक्शन है क्या? तो हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये प्रश्न, बट यस तंत्र का स्वरूप भारत में बिगड़ गया, अदरवाइज प्योर साइंस है, राइट? इट इज जस्ट अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सम चैंटिंग्स एंड सम प्रोसेसेस। अमावस्या एक ऐसा टाइम है जबकि सूर्य चंद्र एक राशि में होते हैं, तो देयर इज नो माइंड, चंद्र इज फिनिश्ड, देयर इज नो माइंड बेसिकली। सो व्हाट एवर यू डू यू कैन डू विथ अ लॉट ऑफ फोकस, उल्टा भी इसका सही है, मतलब फोकस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और लेकिन चंद्र चूंकि प्रसन्नता को कंट्रोल करता है हमारी लाइफ के अंदर, तो नेगेटिविटी पे फोकस बढ़ जाता है। सो इस समय पर शुभता कम रहती है, इसलिए काफी सारे लोग इस दिन अमावस्या के दिन तंत्र करते हैं और तंत्र में सिद्धि भी लेने की कोशिश करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो व्यक्ति किस चीज में उसका उपयोग कर रहा है। वो अब थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया के अंदर अब बिगड़ गया, अदरवाइज तंत्र का प्रयोग इतने समय से होता आ रहा है और लोक कल्याण के लिए ही होता था। तो तीन तरीके के जैसे तंत्र के भी तीन एस्पेक्ट है, सत्व रजस तमस। तो जो पूजा हम करते हैं वो भी एक तरीके से एक तंत्र है, सात्विक तंत्र है। जो व्यापार वृद्धि के लिए हम छोटे छोटे प्रयोग करते हैं कि यहाँ पर एक नारियल रख दो, एक लाल कपड़ा बांध दो, ये राजसिक तंत्र है। और ये जिसको आप सब लोग तंत्र बोलते हैं वो तामसिक तंत्र है, कि किसी का कुछ बिगाड़ दिया, यहाँ पर कुछ डाल दिया। तो ये तीन तरीके का तंत्र है। और अपने हिंदू संस्कृति के अंदर कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे अमावस है, चतुर्दशी है, चतुर्थी है, अष्टमी है, जिनके अलग अलग लॉर्ड है, अलग अलग ग्रह लॉर्ड है, उसके हिसाब से उनकी सिद्धि और अलग अलग प्रोसेस अलग अलग समय पर लोग करते हैं। और वो सत्य भी है, उसका प्रभाव रहता भी है। क्योंकि मैंने यहाँ देखा ना, हमारे आश्रम में नर्मदा घाट पे भी अमावस्या के दिन ज्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ पे काफी देर बैठे रहते हैं, जब करते हैं, तो वही मैं वही कनेक्शन थोड़ा। अमावस्या जो है स्वामी जी वो तिथि रूल करता राहु, तो राहु के जितने प्रयोग है वो हम अमावस को सजेस्ट करते हैं। राहु के मैक्सिमम प्रयोग जल प्रवाह से होते हैं, कि आप राहु को, राहु के लिए आप देखेंगे कुछ लोग जैसे आपके आश्रम में ही नर्मदा घाट पर अमावस के दिन काफी लोग स्नान करने आते हैं। कुछ लोग तो जानकर आते हैं, कुछ लोग केवल श्रद्धावश आते हैं कि भाई किसी ने बोल दिया अमावस के दिन दर्शन करना है, या अदरवाइज जितना भी राहु के प्रयोग है वो अमावस के दिन हम सजेस्ट करते हैं। जैसे आपने ही देखा होगा आपके आश्रम में कुछ लोग नारियल बहाते हैं नर्मदा जी में, नारियल जो है वो स्वरूप है राहु का। तो ये जो तिथि है चूंकि इट इज रूल्ड बाय राहु, इसीलिए इसमें थोड़ा वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन उनके उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए, राहु के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इन दिन प्रयोग किया जाता है अमावस के दिन। और नारियल की नरमुंड की माला बनाकर कुछ कुछ अलग अलग पदार्थ नदी में ही बहाते हैं, ये हम अपने कर्म से मुक्त हो रहे हैं बेसिकली। जो जल में बहाने का जो ट्रेडिशन है वो इसीलिए है कि ये, और ये वो बहता हुआ जल में ही बहाते हैं हमेशा, क्योंकि इसकी गति जो है वो लगातार हो रही है, मैं इससे मुक्त हो गया, मैंने दर्शन कर लिए और अपने नदी को माँ स्वरूप माना है, माँ गंगे माँ नर्मदे। तो माँ के आशीर्वाद, मतलब देवी का आशीर्वाद से ही केवल आप, दो लोगों के आशीर्वाद से आप राहु से बच सकते हो, गुरु और देवी। तो इसकी वजह, मतलब गुरु मतलब विष्णु स्वरूप और देवी मतलब भगवती स्वरूप, तो उनके आशीर्वाद से फिर आप राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट इन योर चार्ट में भी इन योर लाइफ उससे आप बचते हो। इसलिए अमावस पर काफी कुछ आप होता देखते हैं। यस यस यस। स्वामी जी सेम क्वेश्चन टू यू, बट थोड़ा सा उसको ट्विस्ट है कि एक साधक के लिए इस अमावस्या का या इन जो स्पेशल डेज इनका क्या महत्व है? लाइक इट लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अ साधक? एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए ग्रहण काल को जी, जैसे आध्यात्मिक जो साधक है, जैसे आपका नाम भी शुद्ध है, जो शुद्धता की ओर जा रहे हैं, बोध की ओर जा रहे हैं, ज्ञान की ओर जा रहे हैं, भक्ति की ओर जा रहे हैं, उनके लिए हर क्षण मंगलदायक है, क्योंकि काल और समय का इंतजार वो करते जिनको फल चाहिए।
और जो फल की त्याग करके परम पद की ओर जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, ध्यान उनके ऊपर असर करता है जिनका फलाकांक्षी। ये अर्जुन तो सब कर्मों को त्याग कर दे, लेकिन इसका मतलब ये कर्तापन को छोड़ दे, करने को नहीं छोड़। जो कर्तापन को छोड़ के करने को नहीं छोड़ रहे, दिव्य कर्म कर रहे, लेकिन अभी उनकी खुद की कोई कामना नहीं है। उनके लिए तो हमें लगता है हर क्षण मंगलदायक है और हर क्षण उनके लिए सुरक्षित है। इसलिए निश्चिंत तो होना चाहिए, जिनके जीवन में गुरु है, जिनके जीवन में ज्ञान है, जिनके जीवन में समर्पण है, तो हमें लगता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी जैसे है, क्या है, आप अपने घर के ऊपर छत पे चढ़ जाएंगे तो दूर दूर की चीजें थोड़ी दिखाई देने लगती है, रास्ता है वो, लेकिन कमरे के अंदर आते हैं तो दिखाई नहीं देता। और बाहर छत पे है तो हवा का भी असर है, धूप का भी असर है, क्योंकि आप सरफेस पे खड़े हैं। जैसे समुन्द्र है, लहर पे हमारा चेतना है, समझ लीजिए हम सरफेस पे जी रहे हैं, मंडल पे जी रहे हैं, तो जरूर हर चीज का प्रभाव भी असर है, नाव भी घूमेगा, वो सब कुछ होगा उथल पुथल, लेकिन जैसे आप गहराई में जाएंगे आप स्थिर। तो अध्यात्म क्या है, सरफेस पे रह के उसको कैसे बेहतर किया जाए, नाव का कैसा उसको बैलेंस किया जाए, क्या रखने से क्या होगा, कैसे उसमें सेल थ्रू करे, ये सारा जो शास्त्र है वो आलोक जी बहुत अद्भुत तरीके से उसको शेयर कर रहे हैं। और आध्यात्मिकता का मतलब होता है गहराई में उतर, समुद्र में पहले तो गहराई में उतरे, फिर समुद्र में ही एक हो जाए। तो वो जो स्थिति है उनके लिए निश्चिंत होके चल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जो भाई जगत में ढूंढ रहे हैं उनको जरूर उनके लिए फल है। जैसे फॉर एग्जांपल जो शुरुआत के होते हैं, शुरुआत में जो साधक है उनको तो इनका जरूर असर रहता है कि तिथियों का, अमावस्या का है, पूर्णिमा का है, ग्रहण का, लेकिन जो साधक थोड़े आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है कि इनका प्रभाव कब, जितना हमारी चेतना का विकास हो जाता है, जितनी हमारी साधना गहरी हो जाती है, तो उसका प्रभाव भी कम। जैसे बोल रहे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोरोना का ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन आपका ओल्ड एज है या थोड़ा सा कोमल है तो आप पे ज्यादा असर आएगा। अब तो उनको ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, ये कोरोना बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर देगा कि हम क्या कह रहे हैं। और जो एकदम आध्यात्मिक स्तर से बल है, मजबूत है, अपने सेंटर्ड में है, तो वहां तक उसका प्रभाव जा नहीं पाता। जी 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 आलोक जी, बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छे से आपने इसको कनेक्ट किया। आलोक भैया, जैसे हमारे देश में तो है, ठीक है, हम भारतीय संस्कृति में ये पहले से ही ऐसा है कि पहले पता चल जाता है सूतक है तो चैंटिंग करनी है, ये नहीं करना है, लेकिन जैसे विदेश वाले इस चीज को नहीं मानते, तो वैसे वहां के लोगों पे ये कैसे असर करता है, या वो कैसे इससे डील करते हैं, कोप अप करते हैं ग्रहण के लिए, या उनके लिए जस्ट एक सिंपल सी एक खगोलीय घटना है, बस उतना ही देखते हैं वो। आप तो विदेश जाते रहते हैं जैसे अपने एस्ट्रोलॉजिकल उसके लिए भी, तो आपका कैसा एक वो है इसके बारे में विचार? स्वामी जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर और वहां पर केवल एक बेसिक अंतर है। हमारा देश जो है वो उसमें भक्ति भाव टॉप पर है, तो हम पहले मानते हैं फिर जानते हैं, उनका थोड़ा लॉजिकल जा रहा है वो, फर्स्ट दे विल अंडरस्टैंड एंड देन दे विल बिलीव। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूं कि ये जो घटनाएं हैं, एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, अपने फ्यूचर के विषय में जानना हो, वो लोग भी उतना ही मानते हैं जितना हम मानते हैं, बट उनके पास टूल्स नहीं है बेसिकली। इसीलिए हमारा जो इस देश का ज्ञान है, हमारे देश के तीन, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आपकी इजाजत हो तो बोलूं, तो मैं बोलता हूँ भारत की तीन चार चीजें ही पूछती हैं। सबसे पहला योग, ठीक है, दूसरा आयुर्वेदा, तीसरा ज्योतिष और चौथा आईटी। ये चार ही चीज है जिसमें पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, और ये चीज के कारण हमारा बहुत इज्जत है पूरे विश्व में। तो वो लोग सब मानते हैं, बट उनका एजुकेशन इतना नहीं है इस चीज के विषय में, तो उनके लिए ये एक तरीके से एक अच्छी घटना हो रही है, कुछ सुंदर लग रहा है, कुछ देखने को मिल रहा है। तो वो जनरली आप देख रहे हैं आजकल तो बहुत फैशन में लोग बड़ी बड़ी मैदानों में जाते हैं, उसको शूट करते हैं, बट वंस यू गो देयर एंड एजुकेट देम, वो हमसे अच्छा फॉलो करते हैं। या ट्रू यस, उनका जो फॉलो सिस्टम है, बिकॉज वो तभी बिलीव करते हैं जब वो लॉजिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं,
अदरवाइज दे विल से आई विल नॉट बिलीव इट. बिलीव करते हैं तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है साधना के केस में, जपास के केस में, एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करने के केस में, अध्यात्म के केस में, वो लोग बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं. हमारे यहाँ पर क्या है कि बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है, इसलिए थोड़ा सा लोग उसके विषय में इतना सीरियस नहीं होते कभी कभी. वहां पर अब जाकर भारत के संत और योगी, भारत के वैद्य सभी दूर पहुंच रहे हैं, ज्योतिषी पहुंच रहे हैं. और आप अगर मेरी बात पर विश्वास करें तो वहां पर पूरा वेस्ट में, यूएस में, यूरोप के अंदर, ईस्ट में बहुत तेजी से ये चीज वो अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत तेजी से. गुरुदेव ने तो इतना सब कुछ किया ही है, पूरा वर्ल्ड को एक किया ही है. और अब धीरे धीरे आयुर्वेदा, आयुर्वेदा है, योगा है, ज्योतिष है, सब कुछ बहुत तेजी से आ रहा है. अभी थोड़ा कम है, बढ़ जाएगा बहुत जल्दी. तो प्रभाव तो उन पर भी पड़ता है. एक बस थोड़ा सा एक कह के खत्म कर रहा हूँ. प्रभाव जो घटना घट रही है, और हमारे ऋषि मुनियों को तो ज्ञान था क्योंकि उनको डाउनलोड होता था सीधे, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी सूर्य पर. तो जो घटना घट रही है उसका प्रभाव तो पड़ रहा है, बट जैसा कहते हैं कि जिसकी चादर सफेद होती है उसको ज्यादा गंदा दिखता है. तो हमें क्योंकि उसका अवेयरनेस है, इसलिए हमें पता लगता है कि ये ग्रहण का प्रभाव है जो 15 दिन बाद दिख रहा है. जिसको अवेयरनेस नहीं है उसको एक नॉर्मल एक्टिविटी दिखती है कि मैं गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया. देखिए स्वामी जी कुछ ऐड करना चाहते हैं. स्वामी जी जो विधि, इसलिए देखिए भारत की अगर आप संस्कृति देखेंगे, हम आध्यात्मिक स्तर पर कितने विकसित है. कोई भी घटना घटती है तो हम कैसे स्थित होके लेता है भारत, क्योंकि हमने हमेशा जोर भीतर की ओर दिया है और उनका जोर बाहर की ओर उन्होंने जोर दिया है. लेकिन माने ना माने उसका प्रभाव की वजह से उनकी जीने का तरीका देखिए, संबंधों में देखिए, उनका व्यवहार में देखिए, अतृप्ति का बहुत बड़ा घंटा दिखाई देती है. बाहरी स्तर पे उन्होंने बहुत फोकस किया है तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा. आप जब शुरुआत में जाएंगे दो दिन के बाद, उनके अंदर की जो नींद नहीं आने का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, संबंधों में ना विश्वास ना होने का, क्योंकि इन चीजों का उन्होंने ध्यान नहीं रखा तो उसका लाभ नहीं ले पाए. देखिए जब ज्ञान आता है तो आपको रक्षण भी करता है, पोषण भी करता है. तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, ये हमें संरक्षण भी करता है, पुष्ट भी करता है. तो हम तो भाग्यशाली है कि हमारे पूर्वजों ने हम सबका ध्यान आंतरिक जगत, इसका मतलब नहीं बाहरी जगत को ज्यादा सुदृढ़ कर दिया है. आध्यात्मिक जितने गए तो बाहरी ज्ञान को तो इतना बताया डू एंड डू नॉट, लेकिन जब हम बाहरी बाहर गए तो बाहर को भी ठीक से नहीं हाथ में आया, ना भीतर कुछ आ पाया. तो हम उनका निंदा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब बाहरी बाहर जाते हैं दोनों खो जाता है, और जो भीतर जाता है उसका दोनों ही. इसलिए भारत आध्यात्मिक की ऊंचाई पे जब थी तो कहते हैं सोने की चिड़िया थी, और फिर से अभी भारत आध्यात्मिक स्तर पे मजबूत होते जा रहा है. तो आप देखिए कि भारत की समृद्धि भी अद्भुत होते जा रही है, क्योंकि बाहर को हमने कभी इग्नोर नहीं किया, उसको कहा है साकार ब्रह्म और भीतर को कहा है निराकार ब्रह्म, हमने दोनों को ही संवारा है. ये हमारी खूबी है भारत. जी जी वंडरफुल स्वामी जी, वंडरफुल वंडरफुल. नित्य बोधा जी, जैसे ग्रहण आ गया है ना, तो अब ग्रहण काल में हमको क्या स्पेशल चैंट करना चाहिए? चैंटिंग तो बहुत सारी है तो, लेकिन हाँ, जैसे जो अभी किस तारीख को आने वाला है तो उसमें विशेष रूप से हमको क्या चीज चैंट करना चाहिए सभी लोगों को, जो घर में बैठ के कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बताइएगा. मंत्र जप है या कोई स्त्रोत का पाठ करना है? तो ये बड़ा रोचक है कि हमारे सनातन धर्म में सभी के लिए सोचा गया है कि जो अत्युच्च अवस्था में है आध्यात्मिकता के, जैसे स्वामी जी कह रहे थे अभी, तो वो ध्यान सहजता से ध्यान में बैठ सकते हैं. लेकिन जो जन सामान्य है वो कैसे ध्यान के प्रति अग्रसर होगा? तो उनके लिए प्राणायाम कहा गया है, शुरुआत प्राणायाम से ही होनी है, उसके बाद जप करना है. हाँ, उसमें कुछ स्तोत्र का पठन भी आप रख सकते हैं, और फिर ध्यान करना है. ये पूर्ण पैकेज है. ठीक है, तो अभी कौन से स्तोत्र का पाठ करेंगे इस तरफ हम चलते हैं. तो बेसिकली ग्रहण जो है ये सूर्य ग्रह को लग रहे हैं, और सूर्य आपके आत्मा का कारक है, और दूसरा राहु महाराज है, तो और शनि महाराज भी कुछ अपना प्रभाव है ना, आलोक जी शनि जी का भी कुछ प्रभाव है सूर्य. हाँ, तो इसलिए हमें दो स्तोत्र यहाँ पे बहुत प्रमुख है. एक है श्री हनुमान चालीसा का पठन, और दूसरा है श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र.
क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो मेंटेनिंग का काम करते हैं, और जैसे हम देख सकते कि ग्रहण के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव है, तो जो करेंगे उनको ये पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा और निगेटिव इफेक्ट से उनका संरक्षण होगा। ये दोहरा प्रसाद हमें मिलेगा अगर हम ये स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ क्यों करना है, क्योंकि राहु महाराज की जो कृपा है वो मुख्यतः मन को भ्रमित करने में और संशय निर्माण करने में होती है। इससे क्या होता है, निगेटिविटी बढ़ती है, नकारात्मकता बढ़ती है, और नकारात्मकता में जैसे झगड़े होना या मानसिक प्रेशर या डिप्रेशन या दूसरों के लिए कुछ तकलीफें देना, ये सारी बातें आती है। तो इसलिए मन को शांत रखना है, तो मन पे सबसे ज्यादा सकारात्मकता निर्माण करने के लिए सबसे परिणामकारक स्तोत्र है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। इसमें भगवान श्री हरि के नाम आते हैं और खुद भीष्म पितामह कहते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है कि ना अशुभम विद्यते क्वचित, मतलब जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके मार्ग में कभी अशुभ नहीं आएगा, उनको सदैव शुभ की ही प्राप्ति होगी। किंबहुना इसका जो प्रश्न है, युधिष्ठिर जब 5 प्रश्न पूछते विष्णु सहस्त्र नाम के प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उसमें वो पूछते हैं कि ऐसे क्या मैं पाठ करूं कि जिससे मानव को सिर्फ शुभ शुभ की ही प्राप्ति होगी, शुभम प्राप्नुयात, ऐसा वो पंक्ति है। तो वो विष्णु सहस्त्र नाम है कि जिससे आपको केवल शुभ ही प्राप्त होगा, आपको केवल सकारात्मक ही प्राप्त होगा ये। और विष्णु जी ये संभाल करने वाले हैं, ये पोषण और पालन करने वाले हैं, और ये दोनों को थाम के रखते हैं, ब्रह्मा जी को भी और शिव जी को भी। तो इनका रोल बड़ा अद्भुत है और उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि नकारात्मक मनोदृष्टि से या मनोभूमिका से अगर कोई भी व्यक्ति कुछ व्यवहार करता है तो उसको वैयक्तिक जीवन में तो परिणाम सहने ही पड़ते, लेकिन उनके साथ में है उनको भी परिणाम सहने पड़ते हैं, सामाजिक एक भान भी रखा गया है। इसलिए समूह में अगर हम एक साथ, समूह में भी अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है, इसलिए समूह में तो ऐसे जैसे हम अभी फेसबुक लाइव कर सकते हैं, तो ऐसे फेसबुक लाइव करके हजारों लोग एक साथ इसका पाठ करें तो इसका फल बहुत ही अद्भुत और बहुत सकारात्मक होगा। और जो लोगों का इसका ज्ञान भी नहीं है या जो सिर्फ इसको खगोलीय घटना की तरफ से देखते हैं, उनको भी इससे संरक्षण मिलेगा। इसलिए वैदिक धर्म संस्थान की मैं बहुत ही मतलब आभार प्रकट करना चाहूंगी कि 21 जून को जब ये सूर्य ग्रहण की तिथि है तो सुबह 11 बजे लगभग है ना ग्रहण का वो स्पर्श काल या ऐसा कुछ है, तो वो स्पर्श काल शुरू हो रहा है, तो उस पल वैदिक धर्म संस्थान की तरफ से 21 जून को सुबह 11 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार अनेक लाखों साधक एक साथ मिलकर करने वाले हैं। तो आप सभी दर्शकों को भी विनती है, आप सभी भी इसमें सम्मिलित होइए, और ये हनुमान चालीसा का जो कृपा प्रसाद है, क्योंकि इसमें कहा ही गया है गोस्वामी तुलसीदास जो प्रति वाल्मीकि जिनको कहते हैं, अत्यंत अद्भुत प्रतिभा से ये स्तोत्र की रचना है, जबकि ये बहुत सुलभ है, ऐसा लगता है सुलभ है लेकिन बहुत गहन अर्थ इसमें छिपा हुआ है। और हम इसके चैंटिंग क्लास भी ले रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। मुझे लोग पूछते हैं कि हनुमान चालीसा तो हम सालों से पढ़ रहे हैं, ऐसा आप क्या सिखाते हो? तो मैं उनको कहती हूँ कि इसमें जो संदर्भ है, गुप्त संदर्भ है, या गुरुदेव के ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम हनुमान चालीसा देखें तो हमारा जो एक चैतन्य है ना, उसको अंतर्बाह्य बदलने की क्षमता ये स्तोत्र रखता है। विष्णु सहस्त्र नाम से हमारा मन शुद्ध होके हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, विष्णु तत्व हमारे अंदर प्राप्त कर सकते हैं, और मन शांत रहना, प्रसन्न रहना, भय रहित रहना, ये बहुत आवश्यक है इस काल में, जबकि आजू बाजू तो बहुत निगेटिव या विषैले तत्व होते हैं, तो ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे रहता है। और मंत्र का जो मुख्य स्वरूप है वो सूक्ष्म तरंग के स्वरूप में है, तो सूक्ष्मता को सूक्ष्मता से ही काटा जाएगा, और ये जो सारे दुष्प्रभाव है इससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा, रक्षण होगा, और जिनको ज्ञात भी नहीं है उनको भी इससे लाभ मिलेगा। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा का हम करेंगे हमारे लिए भी लेकिन जगत के कल्याण के लिए, वसुदैव कुटुंबकम, सबके लिए ही ये पाठ बहुत लाभदायी है। सभी हमारे साथ जुड़िए और हम करेंगे तो सबका कल्याण निश्चित है, यही मैं कहना चाहूंगी। और मेरा अगला सेशन है तो मैं आपकी अनुमति चाहूंगी, माफ कीजिए आलोक जी, आप कुछ कह रहे थे जी। आलोक जी एक ज्योतिषीय एंगल ऐड कर रहा था जो आप कह रहे थे। हाँ। विष्णु सहस्त्र नाम में 108 श्लोक है। हाँ। है ना,
108 श्लोक का मतलब है कि 27 नक्षत्र चार पद वो 108 होता है और 12 राशियां और 9 ग्रह ये भी 108 बनाता है। हमारी संस्कृति के अंदर 108 का इसीलिए इतना महत्व है। तो बेसिकली विष्णु सहस्रनाम जो स्त्रोत है ये पूरा पूरे 9 ग्रहों पर एक तरीके से देखिए तो आप काम करता है, क्योंकि संसार को चलाने वाले तो भगवान विष्णु है। दूसरा ये ग्रह मंगल ग्रह के मृक्षरा नक्षत्र में पड़ रहा है जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और चूंकि ये मंगल का नक्षत्र में पड़ने वाला ग्रहण है इसलिए हनुमान चालीसा बेस्ट रेमेडी है इसके लिए। अगर आप हनुमान चालीसा ड्यूरिंग दिस ग्रहण चैंट करते हो तो आप बेसिकली उस ग्रहण के प्रभाव को ऑलमोस्ट नेगेटिव प्रभाव को ऑलमोस्ट खत्म करके पॉजिटिविटी में ही कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसलिए ये जो दो स्त्रोत हैं ये मुझे लगता है जो जो नित्य बोधा जी कह रही हैं ये बहुत ही अफेक्टिव है। वैसे तो ओवरऑल लाइफ में अफेक्टिव है ही, हनुमान चालीसा तो भारत के घर घर में होता है, बट ड्यूरिंग दिस ग्रहण ये बहुत जरूरी और बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। हनुमान जी का हनुमान जी को याद कर रहे, वो हनुमान जी को हनुमान चालीसा करने से क्यों लाभ है इसमें लिखा है, देखे मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर योद्ध मुख्यम श्री राम दूतम सिरसान मानी। इसमें कह रहे हैं मनोज जो मन को जिसने जय कर लिया हम उसको स्मरण कर रहे हैं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जो हवा से भी तीक्ष्ण है और किसका पुत्र है वातात्मजम वानर योद्ध, और श्वास के द्वारा यानी कि श्वास जो प्राण है उससे हमारी प्राण की बढ़ेगी, और बुद्धिमताम वरिष्ठम क्या है वो समुद्र लांग रहे हैं उसका वर है कि भाई जो भी जाएगा मैं खाऊंगी राक्षस ने। हनुमान जी क्या करते बड़े होते जाते तो मुंह बड़ा करते जाती है और तुरंत छोटे होके मुंह में जाके वापस आते, सभी नियमों का भी पालन करते लेकिन बुद्धिमताम बुद्धिमत तो हमारे भीतर बुद्धि का जागरण होता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर, और कौन है सबसे बड़ा भक्त है और अपने गुरु और अपने परमात्मा के प्रति समर्पित है। ऐसे दिव्य चेतना को जब हम याद करेंगे हनुमान जी को जरूर जैसे आलोक जी कह रहे हैं नित्य बोधा जी कर रहे हैं मंगल ही मंगल कल्याण ही कल्याण। जी जी एक बात मैं कहना चाहूंगी, विष्णु जी का स्वरूप जो हमारे यहाँ चित्रित किया गया है पौराणिक इसमें बड़ा सुंदर प्रतीक है। क्षीर सागर में शेषनाग जी के ऊपर विष्णु जी आरूढ़ है तो इसका अर्थ बड़ा अद्भुत है कि स्थिरता प्रदान करता है विष्णु विष्णु सहस्त्रनाम श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। तो ये जो सब भवसागर है ये चंचल है सब बदलने वाला है उसमें शेषनाग जी बैठे मतलब सजगता, शेषनाग जी मतलब सजगता और उस पे विष्णु जी आरूढ़ है और विश्राम कर रहे हैं। तो जब हम सजगता से विश्राम करेंगे तो हम भवसागर में कितनी भी ये सब हलचल मचे लेकिन हम कैसे रहेंगे, हम शांत रहेंगे और शांति से हर एक बात फिर वो आधि भौतिक हो आधि दैविक हो या आध्यात्मिक हो तीनों स्तर पे हम इन्हें अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये विष्णु तत्व का एक बड़ा सुंदर अर्थ गुरुदेव ने बताया है। दूसरा हनुमान जी, हनुमान जी ने जैसे स्वामी जी ने कहा वायु तत्व को प्रतीक है, वायु तत्व का प्राण से इनका संबंध है तो पंच प्राण जो है प्राण अपान व्यान समान उदान ये पंच प्राण हनुमान जी के नियंत्रण में है और सारा जो मेटाबॉलिज्म है शरीर का इसमें वायु तत्व का बहुत प्रभाव है ना। तो इसके लिए जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उसमें ऐसा कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा तो भय के अवस्था में कैसा होता है कि हम किसी वीर वीर व्यक्ति का व्यक्तित्व का स्मरण करेंगे तो भय निश्चित ही नष्ट होना है। तो ये जो मनीषी थे ऋषि मुनि थे इन्होंने एक गुण का क्यों वर्णन किया कि उनके गुणों का वर्णन करके तो जिसका गुण का वर्णन करते उसके हम बन जाते हैं उनके जैसे और वो गुण हमें प्रकट होने लगते हैं। मंत्रों की यही शक्ति है अदृश्य शक्ति को प्रकट करने की शक्ति है। दूसरा अपने शरीर के इर्द गिर्द एक सकारात्मक और संरक्षक कवच बन जाता है, हमारा जो ऑरा रहता है आभा मंडल उसका संरक्षण होता है। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ क्या हम ले रहे हैं इसलिए नहीं विश्व कल्याण के लिए और आपके संरक्षण के लिए आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जरूर आमंत्रित है। और मैं अभी आपकी अनुमति लेना चाहूंगी क्योंकि 2 बजे मेरा विष्णु सहस्रनाम का पाठ का क्लास है तो माननीय स्वामी शरणु जी आपको मेरा प्रणाम, माननीय आलोक अग्रवाल जी आपको प्रणाम, शुद्ध चैतन्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जिन्होंने भी
मतलब वॉलंटियरिंग किया, सारे वॉलंटियर्स मनीष जी और सारे गुजरात एमपी आश्रम सॉरी मध्य प्रदेश आश्रम के सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और दर्शकों को भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं आपकी अनुमति चाहूंगा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद नित्य बोधा जी। आपका बिजी शेड्यूल है मैंने देखा, आपका सुबह से शाम तक आप तीन चार चार चैंटिंग क्लासेस लेते रहती हैं और उसने वो उस बहुमूल्य समय हमको दिया और बहुत एक नया एक दृष्टिकोण दिया चैंटिंग के ऊपर और ग्रहण के ऊपर, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आलोक जी। अभी ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग, एक घंटा हो गया, पता नहीं चला इस चर्चा का कब एक घंटा हो गया। बट एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछली बार ग्रहण हुआ था दिसंबर में, वो कोरोना लेके आया था, तो अभी का ग्रहण कोरोना लेके जाएगा या कुछ नया देके आएगा? ये तो अभी कभी इस समय का सबसे यक्ष प्रश्न है। तो हाँ, यक्ष प्रश्न यही है बेसिकली। ऐसा कहा जाता है स्वामी जी कि जैसे एक ग्रहण का असर दूसरे ग्रहण तक रहता है सूर्य ग्रहण के लिए, और ये सबको पता ही है कि जब दिसंबर वाला ग्रहण लगा था उसके बाद से फिर ये कोरोना का चालू हुआ हो गया। तो मेजरली मेरा जो एस्टिमेशन है, क्योंकि मैं शायद लास्ट सेशन में भी ये कह रहा था कि सूर्यदेव तो नए हो ही रहे हैं इस ग्रहण के बाद, ये जो 21 जून को ग्रहण लगेगा तो सूर्य फिर से एक तरीके से एक नई शुरुआत की तरह ग्रहण के बाद होती है, तो प्रभाव तो 100% कम होना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली। दिस इज फ्रॉम द इक्लिप्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कोरोना का प्रभाव इस ग्रहण के बाद में थोड़ा कम होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ और चीजें मैं ऐड करता हूं, तो राहु केतु जब राशि बदलेंगे सितंबर में, ओके, तब के बाद ही एक्चुअल डाउनफॉल उस चीज का आएगा। इस ग्रहण के बाद इस समय मुझे थोड़ा सा दो चीजें ज्यादा दिखती है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, एक प्राकृतिक आपदाएं, बिकॉज इन सभी ग्रहों पर मंगल का दृष्टि है, बुध का राशि में हो रहा है, बुध इस धरती पृथ्वी तत्व, बुध की राशि में यह ग्रहण लग रहा है, पृथ्वी तत्व की राशि में मंगल का दृष्टि है, सो इसमें अति और मक्षरा नक्षत्र है, तो अतिवृष्टि जो है अभी आपने देखा होगा ऑलरेडी चालू हो गया, चाइना में बाढ़ आ गई है ना, शायद रशिया या यूएस में भी, फ्रांस में कहीं बाढ़ आ गई है, तो चालू हो गया है। हमारे यहाँ पर भी अर्ली मानसून है, एमपी में नहीं तो इधर इतनी भीषण गर्मी पड़ती थी, 25 तारीख जून से ही बारिश हो रही है। तो क्योंकि बुध का राशि जो पृथ्वी तत्व का राशि है और बुध की राशि में ही क्रॉप निकलती है बेसिकली, जो कन्या राशि है दैट इज ए राशि ऑफ क्रॉप, फ्रूट की राशि है वो, तो फसल पे मुझे बुरा असर पड़ता दिखता है इसमें, इस ग्रहण के बाद में, और थोड़ा प्राकृतिक इम्बेलेंस क्योंकि बुध का राशि में है तो बिजनेस पे थोड़ा फर्क होगा, तो ये जो फर्क है ये अप्रैल तक रहेगा इस वाले ग्रहण का प्रभाव, ये मैं आपको लास्ट डेट बता रहा हूं, ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है प्रभाव कम होता जाता है, बट दैट इज द लास्ट डेट। ऑब्वियस सी बात है, जैसा इतना एक घंटे से अपन इस विषय पर चर्चा कर ही रहे हैं कि जो लोग प्रोटेक्टेड हैं गुरु के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, उनके ऊपर प्रभाव मिनिमलिस्टिक रहेगा, प्राकृतिक चीजों पर धरती पर पृथ्वी पर थोड़ा प्रभाव ग्रहण का, हर ग्रहण का पड़ता ही है, और ये ग्रहण तो रविवार को ही पड़ रहा है जो कि सूर्य का दिन है, तो इसलिए इस ग्रहण का विशेष महत्व भी है, इसलिए थोड़ा सा प्रभाव तो रहेगा। कोरोना पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है सितंबर के बाद जब राशि बदल जाएगी राहु केतु की, तो फिर डाउनफॉल पे आ जाएगा, इस ग्रहण के बाद भी प्रभाव पड़ेगा उस पर, उसका ग्रोथ पर प्रभाव पड़ेगा। जी चलिए, एक अच्छी बात सामने आ रही है कि अब इसका असर कम हो रहा है। स्वामी जी, दो लोगों ने चैट में प्रश्न पूछा था अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, एक तो एक ने पूछा कि मंत्र जैसे चेंटिंग है या जप है उसको जोर से कर सकते हैं या मन में करना है, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जो दीक्षित मंत्र है उसको आप जप के रूप में, भीतर के रूप में ही किया जा सकता है, जैसे ओम नमो नारायण है या ओम नमो भगवते वा, ओम नमः शिवाय है, आराम से कर सकते हैं, तो क्योंकि वो सहज वाले मंत्र है, और जैसे ललिता सहस्त्र नाम का भी क्वेश्चन आया था कि हम कर सकते हैं, या आप सामूहिक में कर सकते हैं, लेकिन जो दीक्षित जैसे गायत्री मंत्र है, कुछ मंत्र है जो आपको दीक्षित है तो उसको वैसे करना चाहिए। इसलिए गुरु जी एक बार बोलते हैं,
गेलुवडे ओम नमः शिवाय शरणेंदरे तुम ओम नमः शिवाय बोल दो, जितना भी भाव बंधन जो भी आ रहे हैं सब कट जाएंगे, मिट जाएंगे। और गुरु के मुख से भी आया है तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर हमको समझ में आने में थोड़ा दिक्कत लग रही हो कि कौन सा चुपके करें कौन सा मंत्र करें, तो ओम नमः शिवाय बोल देंगे और ये ब्लेस्ड भी है, गुरु वाक्य भी है, तो हम पार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो वशिष्ठ सहस्त्रनाम कर सकते हैं वो जरूर करें, लेकिन जिनको थोड़ा कठिन लग रहा है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं, जिनको सीखना भी हो तो हमारे ऑलरेडी ऑनलाइन प्रोग्राम चले हुए हैं, जैसे एक दो दिन में स्टार्ट हो रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का है, ललिता सहस्त्र नाम का है। और जो मुझे पूरे डिस्कशन से लगा कि क्योंकि ग्रहण का समय आने वाला है तो इस वक्त अगर विष्णु सहस्त्र नाम करें तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा। ललिता तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर विष्णु करेंगे तो शायद वो ज्यादा बेनिफिट है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए। विष्णु और कहा गया हनुमान चालीसा, दोनों हनुमान चालीसा, यस यस। और इन दोनों को तो आप ऊंचे स्वर में भी उच्चारण कर सकते हैं, मुझे लगता है ऊंचे स्वर में पढ़ के ज्यादा आनंद आता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, तो जो मुझे इस पूरी चर्चा से जो मुझे समझ आया कि ग्रहण से कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप गुरु के शरण में हैं, आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ग्रहण के नियम का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी बारे में जो एक मन में भय है वो शायद उसकी जरूरत नहीं है। और जो जो भी जितनी भी मन में थोड़ा अंधविश्वास या भ्रांतियां थी, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देके उनको उनके बारे में जो बात की, तो ऐसा मुझे ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के जो मन में प्रश्न थे वो उनका निराकरण जरूर हुआ होगा। और सबसे यही प्रार्थना है कि इस समय को अपनी आध्यात्मिक उन्नति में जरूर यूज करें, क्योंकि जैसे आप लोग जिन्हें स्वामी जी ने बताया ये एक स्पेशल टाइम होता है, तो इसमें अगर हम जब करेंगे थोड़ा अंतर्मुखी होंगे तो हमको वो चीज उस चीज का ज्यादा अनुभव होता है। तो इसी पॉजिटिव नोट पे आलोक जी ने जैसे बताया है कि कोरोना का थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें तो डाउनफॉल की तरफ है, आई थिंक ये है कि हम पॉजिटिव इस पूरे घटनाक्रम से निकाल सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट पे मैं दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वामी जी, आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा है कि ऐसे ही हम आगे भी जुड़ते रहें किसी ना किसी ऐसे ज्वलंत विषय पे जो जैसे जैसे आगे आता रहेगा, तो इस तरह से आप लोगों का हम पूरा जो आपका एक जो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है ना, स्वामी जी का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, आलोक जी उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं एस्ट्रोनॉमिकली एस्ट्रोलॉजिकली, तो जब ये सारा मिलता है तो एक एक लोगों के लिए एक नया नया कुछ अंदर खुल जाता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे जरूर जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।